ऐसा कोई बॉलर नहीं जिसको लखनऊ वालों ने पेला नहीं। दोस्तों आज था मैच लखनऊ वर्सेस पंजाब का, जिसमें कि लखनऊ ने 257 रन बना के इतिहास रच दिया। समझ लीजिए 2022-23 के इनिंग में जो सबसे ज़्यादा स्कोर, टोटल स्कोर लखनऊ का आज बन चुका है 257 पे 5 विकेट। पंजाब के बॉलर्स की नानी याद दिला दी यार, इतना मारा कि एकदम कलेजा फट गया होगा पंजाब के बॉलर्स का। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ वर्सेस पंजाब मैच की, जिसमें पंजाब टॉस जीत के बॉलिंग लेता है। वो मोहाली में मैच खेला जाता है, बॉलिंग लेके वो अपने काल को याद करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि बॉलर फर्स्ट ओवर में एक नए बॉलर आ गुरिंदर ब्रार। दोस्तों पहले ओवर में तो बहुत अच्छा चल रहा था, मात्र 2 रन गए, केएल लाल के की 4 बॉल खेल के मात्र 2 रन लिया। पहले बॉल पे विकेट गिर गया था, लेकिन खैर अथर्व राइटर का कैच छूट गया और उनको विकेट नहीं मिला। उसके बाद भाई साहब जो पिटना शुरू किया लखनऊ वालों ने, काइल मैर्स हाफ सेंचुरी, बैक टू बैक 4 सेंचुरी मारा है भाई, 4 हाफ सेंचुरी मारा है काइल मैर्स ने। पंजाब के बॉलर्स के तो पावर प्ले में 6 ओवर में 74 पे 2 विकेट लखनऊ वाले ने मारा। पावर प्ले में तो खटिया खड़ी कर दी पंजाब के बॉलर्स की मार के, हर ऐसे कोई बॉलर नहीं जिसको 13 के रन रेट से पेला ना हुआ हर ओवर में। हालांकि केएल राहुल कगिसर वारदा की बॉलिंग पे आउट हो गए। कगिसर वारदा 2 विकेट लिए, उनका भी खास विकेट रहा, अच्छे विकेट उन्होंने लिए। केएल राहुल और काइल मैर्स को उन्होंने ही आउट किया। मोहाली की पिच थी दोस्तों, मोहाली की फ्लैट पिच, एकदम रोड वाली पिच थी, जैसे पीएसएल में पिच होती है ना, उस तरह मोहाली की पिच को बनाया गया था कि जितना रन मार सको उतना रन मारो। उस आज के मैच में दोस्तों 458 रन बने, 257 लखनऊ वालों ने मारा, 201 रन पंजाब ने मारा। पंजाब के अथर्व टाइडे बहुत अच्छा 66 रन की पारी उन्होंने खेला। और दोस्तों लखनऊ में 257 रन कैसे बने जानते हैं? मार्कस स्टोइनिस 40 गेंद खेल के 71 रन मार्कस स्टोइनिस ने मारा। दोस्तों 47 रन आयुष भदौनी ने मारा 24 गेंद खेल के। निकोलस पूरन 19 गेंद में 45 रन, तोड़ दिया एकदम यार पंजाब के बॉलर्स को, रुआ रुआ के पीटा यार। ऐसा कोई ओवर नहीं जिसको छक्के लगे ही ना हो। लियाम लिविंगस्टन बॉलिंग करने आया, उनको एक विकेट मिला, उसके बाद निकोलस पूरन आया बैक टू बैक 3 चौके मारे। शिखर धवन यार अपनी टीम के लिए पनौती निकले आए, लेकिन 1 रन बना के चले गए। टॉस जीता, टॉस उनके पक्ष में रहा, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। लेकिन ये भी था कि फ्लैट पिच था, उसमें रन उतना बनना ही बनना था, लेकिन उतना नहीं कि आरसीबी का टोटल स्कोर जो 263 रन था उसको बना दे, लेकिन वो नहीं बन पाया। आरसीबी की तो कलेजा धक धक कर रहा है, कहीं मेरा रिकॉर्ड टूट ना जाए, लेकिन नहीं टूटा, 6 रन से रिकॉर्ड बच गया दोस्तों। लेकिन हाँ, जो 2018 का स्कोर था 248 रन, वो टूट चुका है। 257 लखनऊ वालों ने पीट दिया। मुझको दोस्तों उम्मीद थी कि काइल मैर्स सेंचुरी मारेंगे, लेकिन काइल मैर्स 50 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस से उम्मीद थी कि वो सेंचुरी मारेंगे, लेकिन वो भी आउट हो गए। निकोलस पूरन से तो ऐसी उम्मीद उतनी खास नहीं थी, क्योंकि 12-13 ओवर में बैटिंग करने आए थे आयुष धौनी को, जो कि लियाम लिविंगस्टन ने आउट किया। उसके बाद तो वो बैटिंग करना है, तो उनसे उतना उम्मीद नहीं था कि वो मार देंगे, लेकिन उन्होंने बहुत तगड़े शॉट खेले भाई, हर बॉलर्स को उन्होंने भी स्मैश किया। हाँ, ऐसे कोई बॉलर्स मैं बोल रहा हूँ कि जिसको लखनऊ वालों ने छोड़ा ना हो यार, राहुल चार्ल्स लेके हर बॉलर्स को उन्होंने पीटा। हर बॉलर का दोस्तों 50 के ऊपर स्कोर बना, हर बॉलर का हाफ सेंचुरी, हर्षदीप सिंह, सैम करन, गुरिंदर संधु, ऐसे कोई बॉलर्स नहीं जिसका हाफ सेंचुरी बना ही ना हो। खैर 257 रन को चेस करना, वो भी T20 बहुत बड़ी बात होती है। टेस्ट के जो टेस्ट में होता है ना कि वनडे खेलते हैं, वनडे में T20 खेलते हैं, T20 में T10 खेलते हैं, उसी तरह आज का मैच था दोस्तों, T20 में T10 का मैच कर। 257 जो वनडे का स्कोर बनता है, वो T20 में बनाया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप यार, गजब का मैच था भाई, एक एक बॉल देखने में मजा आ रहा था पूरा। लास्ट तक अगर जो बॉल देखा होगा ना भाई, गजब गजब का शॉट लग रहे थे। उधर पंजाब की बॉलिंग उतनी खास नहीं लगी, पर लखनऊ की बॉलिंग बहुत खास रही। यश ठाकुर जो नए बॉलर हैं, उनको 4 विकेट मिले उसी पिच पे मिल गए, जिसको पंजाब के हर बॉलर्स को होम ग्राउंड में पंजाब को पीटा, उसी पिच पे यश ठाकुर को 4 विकेट मिले। नवीन उल हक 2 विकेट उन्होंने लिया। मार्कस स्टोइनिस बैटिंग से तो कमाल किए हैं, लेकिन वो बॉलिंग से भी कमाल किया। पहले ओवर में शिखर धवन को उन्होंने आउट किया। प्लेयर ऑफ द मैच दोस्तों मार्कस स्टोइनिस से बने, क्योंकि उनके 72 रन 1 विकेट बहुत खास था। और उसमें दोस्तों अथर्व टाइडे बहुत अच्छा बैटिंग किए, 66 रन उन्होंने मारा। सिकंदर रजा जो वो प्लेयर जिम्बाब्वे से बिलोंग करते, वो भी बहुत अच्छा मैच खेले, बहुत अच्छा रन बना के गए हैं। जैसे लग रहा था कि एक तरफ से लगभग 250 रन पहुंचा देंगे, ऐसे जितना नामुमकिन था उनके लिए, लेकिन एक तरफ लग रहा था जो कि अथर्व टाइडे और सिकंदर रजा की पार्टनरशिप बन रही थी।
फिर जितेश शर्मा आते दोस्तों बैक टू बैक सिक्स मारते हैं, लियाम लिविंगस्टन आते वो भी बैक टू बैक सिक्स मारते हैं, लेकिन लियाम लिविंगस्टन आउट हो गए, मुझको लगा ये हाफ सेंचुरी वो भी मार देंगे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए ज़्यादा। ILSG के दोस्तों 10 ओवर में 128 रन थे, अगले 10 ओवर में 129 रन बने, मतलब 257। एक वही ILSG था जो पिछले मैच में 135 रन चेस नहीं कर पाए, मतलब 36 गेंद में 31 रन नहीं बना पाए 9 विकेट में, वही ILSG आज के मैच में देखिए कहां पहुंचा थे, 60 गेंद में 129 रन, 60 गेंद में 128 रन, मतलब 20 ओवर में 257 रन। क्या बैटिंग रही भाई, बहुत खास बैटिंग रही यार ILSG की, आज का मैच देखने में बहुत मजा आ रहा था। अब लगता है कि जैसे अगर इस तरह का फ्लैट विकेट रहा ना, फ्लैट पिच रहा, तो बॉलर्स की खैर नहीं, हर बॉलर्स को पिटाना है, बॉलर्स की इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं बनती यार। जैसा लग रहा था आज के मैच देखने में RCB का 263 रन डिफेंड होने से बच गया, क्योंकि 6 रन दूर अगर निकोलस कुरन टिक जाता 20 ओवर तक का तो पक्का 263 किया 265 रन बन जाता, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उसको हरदीप सिंह ने LBW आउट कर दिया, लेकिन वो भी बहुत अच्छा पारी खेल के गए, दीपक हुड्डा आया था, दीपक हुड्डा उतना कुछ खास कर नहीं पाया, इस साल दीपक हुड्डा के बैट से उतना रन नहीं निकले, 7-8 मैच में 80-82 रन निकले, कुछ खास उनके लिए भी कुछ इस साल का IPL उतना खास उनके लिए भी नहीं रहा। दोस्तों ऐसे मैच सदियों बाद एक आध मैच आते हैं, बात तो सही है क्योंकि 240-230 रन तो अब T20 में आम बात हो गई है, लेकिन 257 रन यार वनडे की तरह मारना बहुत बड़ी बात है, 2018 के बाद 2023 में बना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि पंजाब अगले मैच में कमबैक करती है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो कमबैक करेगी, क्योंकि इस तरह पीटना उनको खुद इज्जत उनके लिए कुछ गया ही गया है। इस पूरे मैच में दोस्तों मुझको एक अच्छा लगा कि जो गौतम गंभीर हमेशा गंभीर रहते हैं तो वो इस मैच में स्माइल किया यार, कितनी बड़ी बात है लखनऊ के फैंस के लिए, स्माइल किए गौतम गंभीर, क्योंकि हम हर वक्त गंभीर रहते हैं। हमको लगा था कि चिन्ना स्वामी एक स्टेडियम है जिसमें 200 प्लस रन बनते हैं, लेकिन यार तो मोहाली में भी 200 प्लस रन मार दिया यार, 200 प्लस रन मार दिया भाई, गजब की बैटिंग की यार, गजब लगा भाई मैच देखना तो एकदम बवाल लग रहा था। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा शॉट अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और क्या ILSG क्वालिफाई कर पाएगी, और क्वालिफाई तो कर लेगी, क्या पंजाब क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि 8 में उन्होंने 4 मैच जीते हैं और ILSG तो टेबल टॉप पे पहुंच गया है, आप देखते हैं क्या होता है अगले मैच में, तो तब तक लिए बाय, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट भी जरूर बताइएगा, और फेसबुक देख रहे तो फॉलो जरूर कीजिएगा।